हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, वैसे तो मैं यूट्यूब पर बहुत सारी अपनी पेस्टिसाइड से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मेरे पास कॉल्स आ रहे थे। मेरे सब्सक्राइबर भी मेरे से पूछ रहे थे कि भाई आप पेस्टिसाइड के बारे में तो सभी के बारे में बताते हो, लेकिन इन पेस्टिसाइड को हम कैसे यूज़ करें? क्योंकि जो बड़े वाले पंप आते हैं वो तो कमर्शियल पंप होते हैं, घर के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते, लेकिन अगर हम घर के अंदर इस्तेमाल करना चाहें तो कौन सा पंप हमारे लिए ठीक रहेगा? तो इसीलिए मैंने आपके लिए अमेज़ोन से स्पेशली ऑर्डर देके एक पंप मंगाया है। ये पंप सबसे सस्ता है अमेज़ोन के ऊपर। अगर आप अमेज़ोन पर जाएंगे तो आपको कोई 300, 400, 500 रुपए तक के पंप है 2 लीटर वाले, लेकिन ये जो 2 लीटर का पंप है वहाँ पर आपको 260 या 270 रुपीज़ में मिल जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा पंप है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। चलिए मैं आपको सबसे पहले वो पंप दिखाता हूँ और फिर इस पंप को आपको इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे पेस्टिसाइड उसके अंदर यूज करना है वो सभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइज, ये है वो पंप जो कि किसान क्राफ्ट कंपनी का है, और इसको सजेस्ट करने के पीछे मेरा रीजन ये भी है कि इस कंपनी के मैंने 5 लीटर वाले 2-3 पंप ऑलरेडी मैं इस्तेमाल कर चुका हूं पेस्ट कंट्रोल के बिजनेस के अंदर, जो कि हमारा काम है, तो काफी अच्छे लगे मुझे, क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। बहुत ही अच्छी प्लास्टिक इसके अंदर यूज हुई है, हैंडी भी है काफ़ी। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मल आप यूज़ कर सकते हैं। और ये पंप उनसे अच्छा है जो कि आप अगर अमेज़ोन पर देखेंगे, दूसरी कंपनी के जो आ रहे हैं वो कोई 300 रुपये का आपको शो होगा, कोई 350, कोई 400, यानी 500 रुपये तक के पंप हैं। तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सा पंप उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये जो पंप है, एक तो ये सस्ता है, 270 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा, 260 का भी मिल जाता है डिस्काउंट में। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, अगर प्लास्टिक की क्वालिटी देखें तो बहुत ही अच्छी है, हैंडल भी बहुत अच्छा है, और यहाँ से इसके अंदर जो है हवा भरी जाती है। हवा भर के आप बस एक सिंबल ये बटन दबा दो, अपना आप ही स्टार्ट हो जाता है स्प्रे करना। इसको आप मिस्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और धार भी बना सकते हैं इसकी। इसके अंदर जो पानी आता है वो तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी इसके अंदर आ जाता है, तो यानी 2 लीटर के करीब पेस्टिसाइड बना के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका पंप है और यहाँ से पानी इसके अंदर इंसर्ट होता है और जो आके यहाँ पे प्रेशर के थ्रू बाहर निकलता है। बस जो चीज़ ख़राब होने वाली है इसके अंदर, एक तो ये जो आप देख रहे हैं रबड़ का, ज़्यादा यूज़ करने के बाद ये ख़राब हो जाता है, तो लेकिन अगर आप इसे घर में यूज़ कर रहे हैं तो आराम से 2-3 साल आराम से निकाल देगा आपका। और इसको चेंज करना ही बहुत ईजी होता है, इसको चेंज कर सकते हैं आप ईज़िली, और या फिर इसके जो हैं कुछ छोटे छोटे वाल होते हैं यहाँ पर वो ख़राब हो जाते हैं, तो जो कि आप आराम से मार्केट से ले सकते हैं, 10-15 रुपए के आ जाते हैं। लेकिन इसके इसके साथ में एक सेट फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये 3 वाल्व इसके अंदर यूज़ होते हैं, जो कि नॉर्मली अगर आप मार्केट से लोगे तो आई थिंक 10-12 रुपए के आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा महंगे नहीं होते ये। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर होती है ख़राब होने वाली, डेली भी यूज़ करोगे 1-2 घंटे के लिए तो आराम से 1-1.5 साल आराम से चल जाएगा ये। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर पानी भर लेते हैं। ये देखिए गाइस, इस पंप को आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो कम टाइम के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो इस बटन को दबा के भी यूज़ करते हैं, और अगर ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसको दबाओ और साथ में इस लॉक को आगे कर दो। ये देख रहे हो आप, अब ये लगातार स्प्रे कर रहा है। तो दोस्तों, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पंप को आप 2-3 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के अंदर अपने ग्लास वॉश करना चाहते हैं तो आप सिंपली ये बटन दबा दो। ये देख रहे हो, देख रहे हो आप, फटाफट आ गया और अपने ग्लास आप वॉश कर दो इस तरह से। ठीक है, एक तरीका तो यह है। इसके अलावा ये जो स्प्रे पंप है, आप घर के अंदर जो पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सिंपली आप जिन दीवारों पे स्प्रे करने वाले हैं उससे आप 2 फीट की दूरी पे अपने इस स्प्रे पंप को रखेंगे, जिससे कि इसका काफ़ी एरिया ये कवर कर ले दीवार को और फटाफट स्प्रे कर दें। तो चलिए कैसे यूज़ करना मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हो आप कितना एरिया कवर कर रहा है। तो 2 फीट दूर पे रखना है और इस तरह से स्प्रे करते हुए आ जाना है। देख रहे हो आप कितनी अच्छी तरीके से इसने स्प्रे किया है, फटाफट सेकंडों के अंदर पूरी दीवार पे स्प्रे कर दिया है। ऐसे ही घर के कोने भी जरूर लेने होते हैं। ये देख रहे हो आप, ये देखो इतनी दूरी से लोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से स्प्रे होगा, ज़्यादा एरिया कवर करेगा ये। ये देखिए आप, बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा कोना इसने ले लिया है। तो मोस्टली जो मच्छर होते हैं कोनों में बैठते हैं, या जब घर के अंदर एंटर करते हैं तो दीवार के ऊपर बैठते हैं, तो ऐसे में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सही बताऊं तो ये जो पंप मैंने लिया है, ये मैंने लिया है अपनी कार को वॉश करने के लिए, क्योंकि एक मल्टीपर्पज़ पंप है ये। ऐसे ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पेड़ों के पत्ते धोने के लिए और यूज़ करने के लिए पेड़ों के ऊपर।
इतने शानदार तरीके से पूरी पत्तियों को इसने गीला कर दिया सेकंडों के अंदर। ये देखेगा जैसे इन क्रैक्स के अंदर आपको जो है अपना केमिकल डालना है। मोस्टली ये ऐसी जगहों पे यूज होता है जब हम घर में खटमल हो जाते हैं या कॉकरोच अंदर तक घुसे हुए, तो ऐसे में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए सिंपली आप इस तरह से घुमाएंगे, इसकी बारीक धार बना देंगे, ये देखो, तो इस तरह करके धीरे धीरे करके आप इसको अंदर तक डाल देंगे, तो अंदर तक के सभी खटमल वटमल कॉकरोच वोकरोच सबको खत्म कर देगा इस तरह से, ठीक है ना। तो जहाँ पर ज़्यादा डालना वहाँ यूज़ कर लो, बाकी फिर दोबारा से इस तरह करके दोबारा इसको घुमा दो उस तरफ, तो फिर बारीक मिस्ट बनाएगा ये, ठीक है। तो दो तरीके से इस पंप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका है इस पंप को यूज़ करने का, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई या अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करना आपके लिए अच्छा भी रहेगा क्योंकि मोस्टली जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो आपसे रिलेटेड ही होते हैं। घर के अंदर हर किसी के गर्मियों के टाइम में मच्छर मक्खी भी होते हैं, खटमल भी हो जाते हैं, कॉकरोच भी हो जाते हैं, तो इस तरह का कंटेंट ही आपको मेरी वीडियो में मिलेगा। और वैसे भी मंथ में एक ही वीडियो या दो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, तो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करूँगा, ठीक है गाइज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।